जी बिल्कुल, महंगाई का जिन जो है ना वो बोतल से बाहर आ गया है, और शेख उर्दनोश के साथ साथ यहाँ के जो फ्रूट और सब्ज़ी की जो नरख है उनमें दुगनी इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर जो रमज़ान मुबारक भी है, जुज़ी लॉकडाउन भी है, तो लोगों को क्या मुश्किल है। बड़ी मेहरबानी अब्दुल आशिरीन के, एक ऐसे मसले को आपने उजागर आवाम के सामने रख दिया। महंगाई तो हद से बढ़ गई है, ज़रा अगर हम फ्रूट की तरफ जाए तो वो भी जो चीज़ 100 रुपये का मिलता था तो रमज़ान में अभी 250 का मिल रहा है। गोश्त की कीमत की बात करें तो 400 रुपये में मिल रहा है आम नॉर्मल दिनों में, अभी रमज़ान शुरू हो गया तो 500-550 का गोश्त मिल रहा है। इस तरह के और अगर चीनी आपने लेना है तो उसकी भी रेट बढ़ गई है, LPG की भी रेट बढ़ गई है, और जब अभी बस आपने जाना है तो महंगाई के साथ आपका सामना है, और कारोबार बिल्कुल बंद है, लॉकडाउन है, लोगों के पास कुछ है नहीं, रोज़मर्रा जितने ही लोग काम कर रहे हैं तो वो फाकों पर मजबूर है, बस उनके साथ और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आप पर, आपने शहर की भी बात सुनी, लेकिन हमने यहाँ पर देखे है कि लोग बिल्कुल फाकों पर मजबूर है, और यहाँ पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है यहाँ पर जो रमज़ान सस्ते बाज़ार है वो कायम किए जाए, ताकि यहाँ पर जो आवाम को जो उनकी सहूलियत है उनको मैसर हो तो वो बड़ी आसानी होगी उनको। जी।